हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे पनीर कैसे बनाते हैं घर पे, बढ़िया सा सॉफ्ट सॉफ्ट और बहुत इजीली। देखें मेरे पास ये 2-3 दिन से जो बच जाता है ना डेली का, थोड़ा थोड़ा दूध इकट्ठा करके मैंने एक बड़े भगोने में दूध ले लिया है। इस रेसिपी की कोई मेजरमेंट नहीं है, आपको जितना पनीर बनाना है ऑब्वियसली मेजरमेंट है, बट आई हैव नेवर मेजर्ड। तो मैं तो रैंडमली जो दूध बचता रहता है, दिस इज ऑलमोस्ट 2 kg ऑफ मिल्क इन दिस भगोना। तो 3 दिन में 2 किलो दूध मेरे पास बचा है और मैं इसीलिए बचाती हूँ ताकि उसका पनीर बना सकूँ। ये अब आपने अच्छे से उबालना है, तब तक ये ऊपर नहीं आ जाए तब तक हम इसे अब उबालेंगे। ये मेरे दूध में उबाल आ गया है। मैं इसमें करीब 1 tablespoon विनेगर डाल देती हूँ। यहाँ पे अभी बहुत ठंड है दिल्ली में, इसीलिए मुझे विनेगर डालना पड़ रहा है। गर्मियों में दही से मैं दूध फाड़ लेती हूँ या नींबू के रस से, और अगर आपके पास नींबू का सत हो तो उससे चाहे ठंड हो या गर्मी बहुत इजीली दूध फट जाता है। एंड दही से जब फाड़ते हैं ना तो बड़ा ही सॉफ्ट निकलता है पनीर। ये देखिए, ये विनेगर डालते ही कैसा सा टेक्स्चर आने लगा ऊपर। अब हम वेट करेंगे, इसे ज़्यादा हिलाना नहीं है हमें, इन सेंस चम्मच आप इसके अंदर मत छोड़िएगा। बस एक ऐसा मैंने हिलाया और अब हम 2 से मिनट तक वेट करेंगे जब तक ये पूरा फट नहीं जाए। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे जो दूध का रंग है वो चेंज होके आपको येलोइश सा लग रहा है। तुरंत गैस ऑफ कर दीजिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं कुक करना है, नहीं तो हमारा जो पनीर है ना वो हार्ड हो जाएगा। ये पनीर के बर्तन हैं जो बहुत इजीली मार्केट में मिलते हैं या ऑनलाइन भी मिलते हैं। शेप भी आता है आजकल स्क्वायर, जब मैंने खरीदा था तब सिर्फ राउंड वाला था। तो ये जालीदार एक बर्तन है, उसके अंदर ये प्लेट लगती है और पनीर डालने के बाद हम उसे इससे ढक के दबा सकते हैं ताकि पूरा पानी निकल जाए और वो चक्का जम जाए। अब मैं ये एक बड़े बर्तन में डाल देती हूँ और इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं पनीर को, और हमारे पनीर के वे वाटर या पानी जो बोलते हैं पनीर का पानी, उससे अलग कर लेते हैं। ध्यान से कीजिएगा क्योंकि काफी गर्म होगा, अपने ऊपर ना गिरा लेना आप लोग। ये देखिए, पानी पानी मैंने सारा इसमें इकट्ठा कर लिया है क्योंकि मैंने काफ़ी सारा ये पनीर फाड़ा है, पानी भी बहुत है। तो मैं इसे एक जार में डाल के खाली कर लेती हूँ ताकि पनीर निकालने के लिए स्पेस बन जाए। तो मैंने उस कांच के जार में फिल कर लिया है, ठंडा होने के बाद मैं उस जार को फ्रिज में रख दूंगी इन द मीन टाइम। आराम से कीजिएगा क्योंकि गरम गरम पानी में छींटे आप पे गिरने का डर है। ये सारा मैं स्क्रेप करके निकाल लेती हूँ। अभी जो हमारा पनीर का है, ये डब्बा में बड़े आराम से निकालूंगी और दूसरे बर्तन में डालूंगी। थोड़ा सा ऐसे लगेगा क्या है इस बर्तन में उस बर्तन में, पर ये चीज़ हमें करनी है अभी, इसीलिए मैंने बर्तन चेंज किया ताकि पानी इसका मैं निकाल सकूं। पानी के अंदर ही पानी निकालना बहुत मुश्किल है। हम इसे ऐसे दबा देंगे, जितना मैक्सिमम पानी निकाल सकते हैं निकाल लेंगे। पानी ट्रांसफर कर लेते हैं। ये देखिए, सॉरी, मैं जितना हो सकता था मैंने पानी सारा निकाल लिया, पर अभी भी इससे पानी निकलेगा। तो आप चाहें तो इसी भगोने में थोड़ी देर रहने दीजिए, आधा घंटा, सारा पानी ड्रेन हो जाएगा, फिर इसे फ्रिज में रख दीजिए। तो मैं इसे ट्रांसफर कर रही हूँ एक प्लेट में। आधे घंटे के अंदर जितना भी एक्सेस पानी है ना, आप अगर चाहें तो इस पे वजन भी रख सकते हैं ताकि सारा जो एक्सेस पानी है निकल जाए। ऐसे रखने से सारा एक्सेस पानी निकल जाएगा।
ये देखिए अभी आपके सामने पानी निकलना शुरू हो गया है। सारा पानी निकलने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से आपका पनीर लगेगा। आपने इसको फ्रिज में रख देना है कुछ घंटों के लिए। ये जब जम जाएगा तब इस मोल्ड से निकालें और कोई स्टील या कांच के डब्बे में अपना पनीर रख लें और फिर यूज़ करें जैसे आपको यूज़ करना हो। अगर आप चाहते हैं कि पनीर ज़्यादा दिन फ्रेश रहे तो आपको उसे 2 दिन के बाद या अगले ही दिन, एक पूरे दिन के बाद आप उस पनीर को पानी में डुबो के रखें बर्तन में, तो वो उससे भी ज़्यादा फ्रेश रहता है। बट ट्रस्ट मी, मैं वो कुछ नहीं करती हूँ। मैं इसे सिर्फ निकालती हूँ, स्टील के डब्बे में डालती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ और ज़्यादा दिन तक नहीं रखती हूँ। 2-3 दिन मैक्सिमम 4 डेज के अंदर आई यूज़ इट एंड इट स्टेज फ्रेश अंटिल देन। सो आई होप यू इन्जॉयड वॉचिंग दिस रेसिपी ऑफ आर होम मेड पनीर टूडे। एंड वेन दिस कम्स आउट, देखिए कितना थिकनेस है इसका। ये लिटरली इतना थिक चंक बन के निकलेगा। इससे मैं अपने पनीर टिक्का, जो भी आपने आज तक पनीर की रेसिपी मेरे वीडियोज़ में देखी है, सब कुछ मेरे घर के बनाए पनीर से है। क्योंकि आई डोंट लाइक टू गिव मार्केट पनीर। वंस वेन आई बॉट अ पैक्ड पैक ऑफ पनीर, इट हैड अ मस्किटो। फिर डेयरी से खरीदा, इट हैड अ हेयर। बट आई वॉज वेरी कंसर्न कि माई किडो, ही नीड्स टू हैव पनीर एंड आई कैन गिव हिम सच काइंड ऑफ पनीर। तो इस वजह से मैं अपने घर पर ही बनाती हूँ। एंड येस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम इस पानी का क्या करें? ये जो हमारा पानी बच गया था, बहुत सारा पानी बचा क्योंकि मैंने ज़्यादा दूध फाड़ा था आज, ठंडा करे कोई ग्लास ऐसे जग में भर के फ्रिज में रख ले या स्टील के बर्तन में फ्रिज में रख ले। ये ख़राब नहीं होता हफ्ता 10 दिन के लिए। यू कैन यूज़ द सेम वाटर, इसी पानी से आप दोबारा पनीर फाड़ सकते हैं विनेगर की जगह। क्या क्या बना सकते हैं हम इस पानी से? आटा लगाएंगे इस पानी से, बहुत नरम रोटियां उतरेंगी आपकी। आपने दाल बनाई है, पानी की जगह आप ये वाला पानी डालेंगे तो आपकी दाल काफ़ी अच्छा गाढ़ी बने होगी और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। कोई भी ग्रेवी बना रहे हैं तो उसमें पानी या उन सब चीज़ों की जगह पे आप अपना ये वे वाटर डालिए। ये बहुत ही, इसमें वे वाटर बोलते हैं, बहुत ताकत होती है इसमें। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। और तो कुछ सिंपल करना है, हल्का सा पानी लीजिए, वे वाटर लीजिए। ये वे वाटर का पानी नमक काली मिर्च मिलाइए और पी जाइए। अनलिमिटेड वेज हाउ यू कैन यूज़ दिस। दाल, ग्रेवी, आटा लगाना, अपने पौधों को भी दे सकते हैं आप। और क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। जहाँ पे आप पानी यूज़ कर रहे हैं अपनी रेसिपी में, उसकी जगह पे आप ये यूज़ कीजिए। हेल्दी का हेल्दी और टेक्सचर भी बहुत अच्छा आएगा आपके प्रोडक्ट का या जो भी खाना आप बना रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।